हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। खबर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE से। NCTE ने असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर कुल 18 वैकेंसी निकाली हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार NCTE की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2020 है। अब एक एक करके सारे पदों के बारे में जान लेते हैं। असिस्टेंट के कुल 3 पद खाली हैं। वहीं पर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार की आयु 20 से 27 वर्ष होनी चाहिए। अब चलिए दूसरे पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में भी कुल 3 पद खाली हैं और इस पद के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही 100 शब्द प्रति मिनट की गति, हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड आना चाहिए और इसके अलावा उम्मीदवार को कंप्यूटर पर डाटा एंट्री और वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करें तो इसमें कुल 6 पद खाली हैं और उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश 50 MTS या हिंदी 65 MTS, साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के कितने पद खाली हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के केवल 1 पद खाली है। DEO की एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो उम्मीदवार की एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में। लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 5 पद खाली हैं और इस पद के लिए भी उम्मीदवार को 12th पास होना चाहिए और साथ ही टाइपिंग भी होनी चाहिए। टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। जो भी उम्मीदवार इन पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं वह ज़रूर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें और आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर हो उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। याद रहे कि NCTE की वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये खबर थी NCTE से। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।